नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्मेंद्र जी आप सभी का प्यार और ज्योतिषी में स्वागत करते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसा अद्भुत मंत्र, जो आप अगर यदि निरंतर इस मंत्र का जाप करते रहिएगा तो जीवन में आपकी आपके पास जो भी समस्या है वो सारे के सारे समस्या ठीक हो जाएंगे। इसमें से आपको इस मंत्र का जाप जब जब आप किसी भी परेशानी में पड़ जाएं, या किसी प्रेमी या प्रेमिका या अपना किसी भी परिवार का याद आए, तो उस समय में आप जो है इस मंत्र का जाप करें। जितना जाप करेंगे उतना ही आपका जो है जीवन में सिर्फ कल्याण होगा। देखिए वो मंत्र क्या है, सीता राम बसहु मम भीतर, सीता राम बसहु मम भीतर, सीता राम बसहु मम भीतर। अगर इस मंत्र का जाप अगर यदि आप निरंतर करते रहिएगा, यदि आपकी प्रेमी आपका प्रेमिका आपसे बिल्कुल रूठ गया है, आप से बात नहीं कर रहा है, या आपका कोई भी कहना नहीं मानते या मानती है, समस्या चाहे जैसा भी हो, ये सारे के सारे समस्या एक साथ ठीक करता है। हनुमान जी ने भी ये मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करता था, सूर्य भगवान से ये विनती कर रहा था कि आप जब तक हम सजीवन बूटी लेकर नहीं आए तब तक आप बिल्कुल जो है बाहर नहीं आइएगा, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ उस कार्य को सफल अगर नहीं होगा, क्योंकि हम सभी आप ही के पुत्र हैं, अगर आप अपने पुत्र की रक्षा ना करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो सूर्य भगवान से विनती किया था हनुमान जी ने, सीताराम बसहु मम भीतर, सीताराम बसहु मम भीतर। इस मंत्र का अगर यदि जाप आप निरंतर करते रहिएगा तो आपके जीवन में चाहे जितना भी समस्या है, इस सारी की सारी समस्या ठीक हो जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यदि आप मेरे चैनल में नया है तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप ज़्यादा खुश हो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। हम आप सभी अपना ख्याल रखें, हम आपके साथ हैं। प्रत्येक आधा घंटा पर पानी पिए, एक एक घंटा पे मुँह जूठा करें। आधा घंटा पे पानी पीने से चंद्र और शुक्र दोनों ठीक होता है। यदि आपके जीवन में चंद्र और शुक्र दोनों ठीक होगा तो आपके जीवन में कभी भी किसी तरह का समस्या नहीं आएगा। आप ऐसा निरंतर करते रहें। अगर यदि किसी प्रेमी का बहुत याद आए या किसी भी कारण से कोई काम नहीं हो रहा है तो आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें, देखिए आपका काम अवश्य होगा। हर हर महादेव आप सभी का मनोकामना पूर्ण करें।